नागपुर महानगर पालिका द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों का टीकाकरण सोमवार 3 जनवरी को शुरू किया गया। अभियान का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे राजकुमार गुप्ता समाज भवन में महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि अभी टीकाकरण 15 केंद्रों में शुरू हो गया है और सभी से आह्वान किया कि इस टीकाकरण का लाभ लें। समाज भवन में भारी मात्रा में बच्चों की उपस्थिति देखी गई। बच्चे टीकाकरण करके काफी खुश नजर आए। भारत सरकारद्वारे आजपासून संपूर्ण देशभरात 15 ते 18 या वयोगटातले मुलांसाठी वैक्सीनेशनची सुरुवात झाली आहे। त्या श्रृंखलामध्ये नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने सुद्धा आजपासून आपली मोहीम राबवलेली आहे। आज जवळपास 15 ते 16 ठिकाणी नागपूर महानगरपालिकेच्या सेंटरमध्ये आम्ही याची सुरुवात केलेली आहे आणि जशी जशी आवश्यकता भासेल तशी तशी याची संख्या वाढवण्याचा सुद्धा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न करता येईल। आज प्रत्येक केंद्रामध्ये मुलांचा चांगला प्रतिसाद आहे आणि केंद्र उघडल्यापासून लोकांनी स्वतःहून रजिस्ट्रेशन करून आपला वैक्सीनेशन घेण्याची तयारी दर्शवलेली आहे। मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना आवाहन करतो की 15 ते 18 वयोगटातले जे जे लहान माझे भाऊ बहीण आहे त्या सगळ्यांनी या वैक्सीनेशन मोहिमेमध्ये सहभाग होऊन याचा लाभ घेतला पाहिजे। आवश्यकता भासली आणि शाळांची सूचना आली तर त्या सूचनेप्रमाणे नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून शाळांमध्ये कॉलेजमध्ये सुद्धा हे कॅम्प लावून हे वैक्सीनेशन करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका आपली मोहीम राबवेल जशी जशी आवश्यकता भासेल। मूलतः कल्पना अशी आहे की जर जमला की शाळांमध्ये वैक्सीनेशन करायचं तर एकाच ठिकाणी गर्दी न करता आपण वैक्सीनेशन करू शकू। या शाळांमध्ये रितसर वैक्सीनेशन झालं तर वैक्सीनेशनचे सेंटर वाढवण्याची गरज पडणार नाही। मॅक्झिमम शाळांमध्ये आणि कॉलेजमध्ये हे वैक्सीनेशन सुरळीत पार पाडता येईल। वैक्सीनेशन वगैरे बहुत हेल्पफुल आहे। इन्हें कहीं पे भी फ्रीली जाओ आओ। और वही इन्हें जो कंडीशन्स बनी वगैरह थी वो बहुत हार्ड थी। इन्हें उस समय इन्हें कैसे भी हम लोगों ने करे मैनेज। अभी इन्हें बच्चों के लिए भी इन्हें टीनेज वगैरह वालों के लिए भी अवेलेबल है। बहुत हेल्पफुल है। अच्छा ही हो रहा है इन्हें जो भी हो रहा है। थैंक यू। मेरा नाम महक ठाकुर। मैं KDK कॉलेज से हूँ फ्रॉम नागपुर। मेरी अभी 17 रनिंग है तो भी हमको अवेलेबल कर दिए। बहुत अच्छा है। हाँ ले लिए। थैंक यू। जय श्रीवास है। मैं 15 साल की हूँ और अभी अभी वैक्सीन लिया है। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मेरा नाम साहिल चौधरी है। मेरी 17 उम्र है। हम अभी कम से कम 2-2.5 साल से वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अभी वैक्सीन उपलब्ध है। मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करें, वैक्सीनेशन लें और मुक्त तरीके से विद्यालय स्कूल जाए। सभी से सूचित करता हूँ कि अच्छी तरह से अनुशासन का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खुलेआम घूमें, बराबर अनुशासन का पालन करें। बस आपसे यही सूचित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रेया है। मेरी एज 18 है और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट ने शुरू करी है ये बहुत लाभ की है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। लाइक हम जो भी वोट्स के लिए अपियर होने वाले हैं उसके लिए एक बहुत एडवांटेज है ये। हाँ अभी ये कुछ थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। अगर ये थोड़ा जल्दी होता तो बेटर होता क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं। इन लैक्स में जो भी वोट्स के लिए अपियर हो गए तो अगर ये ड्राइव थोड़ा और अर्लियर स्टार्ट होता तो बेटर होता। बट अगर इसे हम फास्ट करेंगे तो शायद सारे जो बच्चे बोर्ड के लिए अपियर हो रहे हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन लग जाएगी। अभी तो ठीक लग रहा है, नॉर्मल ही लग रहा है। बट हाँ अभी ठीक है, अभी नॉर्मल। हाँ मेरे घर में सबने ले लिया है, सिर्फ हम जो बच्चे हैं बस वही बाकी है और उन्होंने भी अब ले लिया है सबने। थैंक यू। मेरा नाम तनिष गुप्ता है और आई एम वैक्सीनेटेड। मैं वैक्सीनेट कर चुका। मेरी एज 16 है और मैं वैक्सीन लगा चुका हूँ नागपुर के द्वारा। गवर्नमेंट के तरफ से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का कोविड को लेके, कोविड के लिए वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हो गया है तो आप सबको आना चाहिए यहाँ और वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। हाँ फैमिली में मेरे सब ने वैक्सीनेशन ले लिया है। बस जो घर के बच्चे थे वो बचे हुए थे इसलिए हाँ, और इसलिए आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो मास्क लगाए और अगर वैक्सीन लग भी गई है तो मास्क लगाए और पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं 17 इयर्स ओल्ड का हूँ।
भारत सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का अभियान चालू किया गया है वो बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड पूरा देश हो जाए। इससे इस वैक्सीनेशन से हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो भी बच्चे बोर्ड्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं उन्हें बहुत फ़ायदे मिलेंगे, और तो और उनको जो एग्जामिनेशन के वक्त प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है वो भी फेस करने के लिए नहीं होगा। हमने वैक्सीनेशंस लगवा लिए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ मास्क वगैरह नहीं पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना है और अपना सैनिटाइज़र प्रॉपरली यूज़ करते रहना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम हर अल्टरनेटिव टाइम पीरियड में हम अपना हाथ धोते रहे। फर्स्टली क्योंकि हमारी स्टडीज इतनी अफेक्ट हो रही थी इस कोविड के वजह से और हम लोग के लिए वैक्सीन नहीं आया था, और अब फाइनली आ गया है तो हम लोग भी पूरा बेफिक्र होकर स्कूल जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसी के लिए मुझे था कि हम लोग के लिए भी वैक्सीन आ जाए और हम लोग स्कूल जा सकें। अनन्या सिंह, 12th।